गांव का हाल तो बेहाल है ही। जहां विकास की बयार बहती है, तेजी से औद्योगिक विकास और बढ़ती आबादी के चलते नोएडा जैसा इलाका भी गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। बीते कुछ सालों में पानी का ग्राउंड लेवल लगातार घटा है, जो चिंता का विषय है। गिरते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। हाई राइज अपार्टमेंट के निवासी भी अब पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद बसा तो दिया गया, लेकिन शायद उसको बसाने में पानी की पाइपलाइन जो डलनी थी वो सरकार भूल गई। नोएडा और एक्सटेंशन में हर तरफ हाई राइज सोसाइटीज मौजूद हैं। इन गगनचुंबी इमारतों में लोग इस उम्मीद से मकान खरीदते हैं कि वहां उनकी जिंदगी सुकून और आराम के साथ बसर होगी, लेकिन हकीकत उसके उलट है। इन ऊंची इमारतों से बने कंक्रीट के जंगलों में सब कुछ है, लेकिन पानी की गिरते लेवल की वजह से पानी की किल्लत का खतरा बना हुआ है। वजह है पानी के सीमित स्रोत यानी ग्राउंड वाटर, जिसको बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों को मुहैया कराया जाता है। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर कब तक? सर, आप अजनारा में रहते हैं, ये नोएडा एक्सटेंशन का काफी बड़ा इलाका है, यहाँ किस किस सोसाइटी में सरकार की तरफ से पाइपलाइन है, पानी आता है, जो टैप वाटर आता है? देखिए साहब, मैं दूसरी सोसाइटी की बात नहीं जानता, मुझे पता नहीं, मुझे अपनी सोसाइटी में ही, मैं अजनारा में हूँ, और हमें यहाँ पानी की कोई किल्लत हो नहीं रही है सोसाइटी की तरफ से, अजनारा वालों की तरफ से, वो सब कुछ ठीक है। बट एक कंसर्न है, मैं बराबर देखता हूँ पेपर में या टीवी सुनता हूँ कि गंगा वाटर आ रहा है, गंगा वाटर आ रहा है, तो कब तक आएगा पता नहीं चलता है। काफ़ी समय से, 5-6 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अभी तक हमें, अभी आपको पानी कहाँ से मिलता है? पानी शायद, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ये ग्राउंड वाटर पानी है यहाँ पे। कब से आप रह रहे हैं यहाँ, मतलब कब से ये सब बना है? तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, 4 साल से ऊपर हो गए मुझे रहते हुए, पानी की दिक्कत नहीं है, पानी आ रहा है, शायद ग्राउंड वाटर आ रहा होगा। लेकिन जो हमें गंगा वाटर चाहिए था, गंगा वाटर अभी तक सप्लाई हमें नहीं मिला है, मतलब प्रॉपर वाटर सप्लाई जो बड़ा ऊपर टैंक होता है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो तो टैंक तो सब में ओवर है, टैंक सब में लगा हुआ है, पर्सनल सोसाइटी का, सोसाइटी का लगा हुआ है, उन्होंने लगाया हुआ है। अथॉरिटी की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, वो चीज़ यहाँ नहीं है। हमें था कि गंगा वाटर की सप्लाई मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होता। आप बताइए साहब, पानी जो आप बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर ही निकल रहा है, तो क्या यहाँ बोरवेल लगे हुए हैं सोसाइटीज़ में, या वो लगाना अलाउड नहीं? देखिए, हम लोग यहाँ पे 2016 के बाद से रहना स्टार्ट करे अजनारा होम सोसाइटी में, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बिल्डर ने बोरवेल की जो सुविधा थी वो दे रखी थी, लगा रखी थी, उसी के जरिए पानी हमें मिलता था। बट अथॉरिटी ने क्या किया, वो बोरवेल को बंद कर दिया, उसको सील कर दिया। उसके बाद अथॉरिटी हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई, जो भी पानी का सप्लाई देती है, बट मेन मुद्दा ये है कि वो जो सप्लाई हमें दे रही है वो खुद बोरवेल से दे रही है, ना कि हमें गंगा वाटर प्रोवाइड कर रही है। मतलब एक बोरवेल बंद करके दूसरे बोरवेल से ग्राउंड वाटर निकाला जाता है? जी बिल्कुल, यही कहना है। मेन मुद्दा ये है हमारा कि जब ये नोएडा एक्सटेंशन बसा था, इतना बड़ा शहर यहाँ पे बसा हुआ है, इतने लाखों लोग यहाँ पे बसे हैं, तो सरकार को पहले ये सोचना चाहिए था कि यहाँ पे पानी का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। जैसे कोई भी शहर बसता है तो पहले गंगा वाटर सप्लाई या कोई भी वाटर सप्लाई के तहत एक टंकी बनाई जाती है, प्रॉपर पाइपलाइन बिछाई जाती है, वो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं है। बट कंसर्न ये है कि इन फ्यूचर में ये जो ग्राउंड लेवल का जो पानी जब डाउन हो जाएगा, तो उस समय हमारे आने वाली जनरेशन को यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या का वो करना पड़ सकता है, सामना सकता है। बिल्कुल, देखते देखते 10 साल बीत गए लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं आया, पाइपलाइन यहाँ पर अभी तक नहीं आई है, यही कहना है लोगों का। ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी पूरी तरीके से इन हाई राइज अपार्टमेंट्स की अभी तक बनी हुई है।